लाइव फेसबुक। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। व्यर्थ असे ते ज्ञान, बोधहा बुद्धा चातु जान, बोधहा बुद्धा चातु
प्यार, बहुत सारा प्रेम और जय भीम। आज इस गाने से हमने शुरुआत की। ये बहुत ही जरूरी गाना है, इसके लिरिक्स जो है बहुत मीनिंगफुल है, इसलिए हमने इस गाने से शुरुआत की आज के प्रोग्राम की। ये मराठी में है, इसका मैं हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। इसमें ये कहते हैं कि आचार, मतलब अगर आप प्रैक्टिस में नहीं डाल रहे हो, प्रैक्टिस के बिना जो विचार होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, ऐसा जो ज्ञान है, इस ये पूरा व्यर्थ है। और यही बुद्ध ने कहा था, यही बुद्ध का जो बोध है वो हमें मिला है। और ये बहुत ही जरूरी है, जैसे बाबा साहेब ने भी कहा था दैट यू नो विदाउट मोरालिटी एजुकेशन इज अ वेस्ट। तो देर कैन बी यू नो देर इज नो यूज ऑफ एन एजुकेशन विच इज नॉट मोरल, विच हैज नो मोरालिटी अटैच टू इट। और इस सेंटेंस से या इस थॉट से हम आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लीडर राजा ढाले को। बहुत बहुत जय भीम। उन्होंने जो मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अम्बेडकराइट मूवमेंट में, अम्बेडकराइट कॉन्शियसनेस में जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज एब्सोल्यूटली, मतलब उसका कोई मैच नहीं है। आज हाँ, आज उनका पहला स्मृति दिन है, इट्स हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। आज ही के दिन लास्ट ईयर उनका निर्वाण परिनिर्वाण हुआ था, और आज हम फिर से एक साल हो गया है उनके परिनिर्वाण को, तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे माइंड थे जिन्होंने ईमानदारी से अपना जो पूरा कार्य है बहुत ईमानदारी से किया है। और ऐसे ईमानदार लोग जो सेवा भाव में अपने लोगों के लिए अच्छा करने के लिए अपना सारा लाइफ बिता देते हैं, ऐसे लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर राजा ढाले सर के बारे में ये अच्छी बात ऐसी है और याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे जो लीडर जैसे लगते हैं और जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में और भी सारे मूवमेंट्स में जो काम करते हैं लोगों के अच्छे के लिए, उनमें दिखावा ना करके प्रिंसिपल्स के साथ में जुड़ के, पैसा और फेम उसकी तरफ ना झुक के, लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा में अपने प्रिंसिपल्स के साथ में खड़े रह के, ऐसे लोगों में से एक अग्रणी है राजा ढाले सर। तो इसीलिए उनको याद करना बहुत जरूरी है, और बौद्धकारों हम आज इस वाले प्रोग्राम से उनको याद करने का एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये ट्रिब्यूट है राजा ढाले सर को, राजा ढाले सर को सम्मान का जय भीम। और हम लोग धीरे धीरे और भी कुछ बातें करेंगे, और जल्दी हम लोग और कुछ गाने करते हुए ये प्रोग्राम आगे लेके जाएंगे। कृतिका कुछ बोलना चाह रही है। हाँ, बहुत देर से मैं जोड़ना चाह रही थी कि हमने जो गाना गाया ये आई थिंक वसंत बापट जी ने लिखा है, और उनको बहुत बहुत जय भीम की इतने अच्छे लिरिक्स उन्होंने डाले हैं इस गाने में। और ये गाना जो है ये हमने क्यों चूज किया इस ट्रिब्यूट को शुरू करने के लिए, क्योंकि राजा ढाले ने जब उनको एक्चुअली ही इज मोस्ट फेमस एज द फाउंडर, एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दलित पैंथर, और उनको पैंथर ढाले भी कहा जाता है। जनरली आप कोई भी ट्रिब्यूट देखेंगे आज तो वो पैंथर ढाले ही कहा जाता है, बट ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने बाद में जो है कैसे उस मूवमेंट को, उस मूवमेंट से वो साइड में आके अपनी उनकी जो चाहत थी कि मूवमेंट कैसी बढ़नी चाहिए वो अलग एक रास्ते से उन्होंने आगे ली। और ये क्यों किया, क्योंकि मोरालिटी का क्वेश्चन आ गया था। और हम इसमें और डेल्व करेंगे कि मतलब और इसमें जाएंगे कि क्या ऐसा प्रश्न था जो मोरालिटी से रिलेटेड था, लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि मोरालिटी यहाँ पर दोस्तों एक बार बता दूं कि मोरालिटी शील शील बोलते हैं हम मराठी या हिंदी में या पाली में, तो शील का कितना महत्व है ये बाबा साहेब ने अपने राइटिंग्स में तो बोला ही है, और अपने राइटिंग से ज्यादा अपने वर्तनमुख में बोला, अपने एक्शंस में बताया, आचार बिना विचार आया व्यर्थ असे ते ज्ञान बोधा बुद्धा सा सुधान। बहुत ही, और एक बार इससे पहले कि मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। छोटा सा प्रोग्राम है पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि हम आज दिशा पे बात कर रहे हैं कि ये जो धम्म चक्र है, हम अक्सर बात करते हैं कि धम्म चक्र चला है, बुद्ध ने जो चलाया धम्म चक्र को,
तो धम्म चक्र उसके बाद में सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया, बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया, ये धम्म चक्र को आगे कैसा ले जाना है, तो बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन आते हैं, बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं। धम्म चक्र इतना पावरफुल है कि उसको रोका नहीं जा सकता, इसीलिए कोशिश की जाती है कि उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। पर राजा ढाले जैसे लीडर लोग ऐसे होते हैं जो धम्म चक्र को सही दिशा में हाँ अग्रसर रखते हैं, तो इसीलिए ऐसे दिन को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बौद्ध कार्य छोटे छोटे कार्यों में से ये कोशिश करते रहता है कि कैसे धम्म चक्र को आगे लेते जाया जाए और कैसे उससे भोजन ताय भोजन सुखाय होगा। बिल्कुल, तो हाँ कृति हमारे साथ में जो भी हमारे दोस्त हैं उन सबको जय भीम, काश चौरी, संतोष पटेल सर, उल्लास मेश्राम, राहुल यादव, विनीत किशोर, सब लोग, प्रतिमा जगताप, सब लोग भिक्कू है, हाँ, तो जी वंदामी भंती और बहुत बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन सभी को जो है जय भीम, सप्रेम जय भीम। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ में लोग बिल्कुल तो, हम लोग इंस्टाग्राम लाइव हाँ, देख नहीं सकते हैं क्या चल रहा है, आप लोगों को भी जय भीम जो भी लोग हैं वहाँ पर। और हम आज इसलिए भी आए हैं क्योंकि बौद्धकारों का काम है ना सिर्फ धम्म के बारे में बात करना, बट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हमारे काम के थ्रू, हमारे राइटिंग्स के थ्रू, हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो बना हुआ है, जो कंफ्यूजन फैलाया जाता है अंबेडकर एट कल्चर के नाम पे, तो धम्म का काम उसको क्लियर करना कि ये क्या है और क्यों है। हाँ, तो हम शुरुआत से शुरू करें कि दलित पैंथर और लीडर ढाले का क्या उसमें रहा है, क्यों फूट हुई है। आई थिंक वृतांत इज एट अ बेटर पोजीशन, वृतांत ने एक रिव्यू लिखा था, आर्टिकल लिखा था लास्ट ईयर जब राजा ढाले सर का जब इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद में मैंने एक छोटा सा मेरी तरफ से ट्रिब्यूट लिखा था, एक आर्टिकल छोटा सा एक ऐसे, और वो राउंड टेबल इंडिया में पब्लिश हुआ था, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। क्या उसका नाम था, एन आइकन ऑफ एंटी दलितिज्म, लीडर राजा ढाले ऐसा उसका नाम था, रेवोल्यूशनरी आइकन ऑफ एंटी दलितिज्म। हाँ, तो एंटी दलितिज्म के लिए क्यों वो जाने जाते हैं, और मैंने उस वाले आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया है कि हम लोग जो राजा ढाले सर को पैंथर बोलते हैं या तो दलित बोलते हैं तो वो गलत है, वो एक अन्याय है, वो उनके सम्मान के ऊपर एक ठेस है अगर हम उनको दलित या उनको पैंथर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दलित पैंथर बनाया, ही वॉज वन ऑफ द वेरी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन। और दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट था, एक बहुत ही विद्रोही एक मूवमेंट था जो अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह कर बैठा, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे उसमें लोग थे, बहुत ही तीव्र, बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव वाले लोग थे, और उनका न्याय के लिए, न्याय पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उनका कन्विक्शन था। हाँ, तो ऐसे लोग जब जुड़ के आए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको दलित पैंथर बोलते हैं, तो वो सच में एक बहुत अच्छी पहल थी जिसके थ्रू समाज का बदलाव होने वाला था। पर राजा ढाले जो एक उनके फाउंडर है, उन्होंने ये जो कारवा वहां से चालू किया, और राजा ढाले बहुत ही एक विचारवंत इंसान थे, बहुत लिखते थे, बहुत सोचते थे, और सोचते थे कि कैसे समाज को बदला जाए, लिखते थे, आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं उनके राइटिंग्स को, और कैसे लिखते आए हैं कि कैसा समाज बदलना चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। पर एक छोटा सा एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा कि ये जो दलित पैंथर का मूवमेंट चला, बहुत ही एक विद्रोही मूवमेंट था, उसको उसको राजा ढाले ने कैसे देखा, राजा ढाले ने उसको ऐसे देखा कि ये दलित पैंथर का मूवमेंट जो है ये अम्बेडकर एक मूवमेंट नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों में सीधा कहा कि ये दलित पैंथर का जो मैनिफेस्टो है वो ये पैंथर का मैनिफेस्टो नहीं है, ये नाम्याचा मैनिफेस्टो है, नामदेव प्रसाद, हाँ, जो कि एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उसमें, तो ये उनका मैनिफेस्टो है ऐसा उन्होंने बोला, और ऐसा उन्होंने देखा कि ये तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये अम्बेडकराइट मैनिफेस्टो नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीधा देखा कि यहाँ पर विचारों का फर्क है, दो अलग अलग विचार है, दो अलग अलग फिलोसफीज है, एक मार्क्सिस्ट है और एक अम्बेडकराइट है, तो दोनों में फर्क होता है, वो फर्क जानने की बुद्धि उनमें थी, उनमें उतना इंटेलिजेंस था कि क्या सही है क्या गलत है और क्या दोनों में फर्क है वो देखे और क्या सही है उसको चुने,
तो उन्होंने वो फर्क देखा और जो उनको सही लगा, जो कि अंबेडकरवादी रास्ता था, वो उन्होंने उसको चुना और अपने मूवमेंट का दिशा उस रास्ते को लेके बना। इसलिए यहाँ पर जो मेथड है, जो कार्य प्रणाली है, वो बाबा साहेब की जरूरी ज्यादा मानते राजा ढाले सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका सारा काम जो रहा है वो दलित पैंथर को छोड़ के उसको रिजेक्ट करके अंबेडकरवादी कार्य पर रहा, अंबेडकरवादी विचारों पर रहा है, जो कि बुद्धिस्ट रहा है। आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू से कि जब राजा ढाले सर जब दलित पैंथर में भी थे, तब भी उन्होंने उनका जो लैंग्वेज था, उनके जो राइटिंग्स थे और उनका जो मूवमेंट और भी जो लोग थे उसमें जो मूवमेंट था, उसमें बुद्धिज्म पे भी उन्होंने काफी जोर दिया था। इट इज रॉन्ग टू से दैट द दलित पैंथर मूवमेंट डिड नॉट हैव अ बुद्धिस्ट एंगल टू इट, पर लोगों को क्यों इसके बारे में नहीं पता होता। हाँ, बहुत यानी कम्युनिस्टों पर तो सीधा सीधा एकदम अटैक करते हुए लिखा है दलित पैंथर के लिटरेचर में। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है और वृतांत ने आर्टिकल में भी लिखा है, तो आप अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। तो उसमें बहुत सही एक चीज लिखी है कि Why is it कि नामदेव ढसाल की जो लिटरेचर थी, जो विक्टिमहुड से और ज्यादा रिलेट करती थी, जो पीड़ा से ज्यादा रिलेट करती थी, इमेंसिपेशन से कम करती थी, या तो जो दलितनेस, जो एक टूटा एक सड़ा गला एक जो आइडेंटिटी है और जो लैंग्वेज है, उसको क्यों वेलराइज किया जाता था, क्यों जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी या जो ब्राह्मणिकल एकेडेमिया है या तो जो भी लिटरेरी वर्ल्ड है, उन्होंने उसको क्यों बढ़ावा दिया और क्यों राजा ढाले जैसे जो लोग थे जो दलित पैंथर में रह के बुद्ध की बात कर रहे थे या तो एंटी कम्युनिस्ट बात कर रहे थे, उन लोगों का लिटरेचर क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत ही जरूरी एक डिस्टिंक्शन है और इसी पे मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग नामदेव ढसाल को क्यों ला रहे हैं बार बार, क्योंकि नामदेव ढसाल को हम लोग बार बार कंपेरिजन के लिए ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं क्योंकि राजा ढाले सर की और नामदेव ढसाल सर की दोनों की फूट हुई थी और ये बहुत पब्लिकली हुई थी। एंड राजा ढाले सर ने एक बहुत ही क्या बोलते हैं सार्कास्टिक रिमार्क कहा था, बहुत ही जरूरी है वो रिमार्क, कि कुछ लोग मूवमेंट में जीते हैं और कुछ लोग मूवमेंट पे जीते हैं। इसका मतलब कुछ लोग जो है मूवमेंट को ही अपना जीवन बना देते हैं, मूवमेंट में ही अपना जीवन लगा देते हैं, और कुछ लोग जो है मूवमेंट को बेच के खाते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट। और हम देखते हैं कि इतना सारा काम बिल्कुल अन्याय के विरुद्ध राजा ढाले सर करते रहे, उनको बहुत ही कम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया उनको और उनके काम को, क्योंकि वो सीधी बात करते थे, वो बाबा साहेब ने जो बात किया वो बात करते थे। वो उन्होंने जरूर नहीं समझा कि मार्क्स के विचारों को जबरदस्ती लाके ठूसना है अंबेडकराइट विचारों में, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा। वो न्याय के लिए सतत लड़ते रहे और इसीलिए शायद उनको बहुत सारी गालियां भी पड़ी। लोग बोलते थे कि बहुत बहुत एरोगेंट है, हमने बहुत सुना जेएनयू में, काफी बोला जाता था अरे बहुत एरोगेंट है राजा ढाले सर ऐसा। अरे सही इंसान जो बोलता है उसको ऐसे एरोगेंट बोला जाता है क्या? वो उन्होंने सच का साथ दिया, इसीलिए हमको जरूरी लगता है कि सही के साथ में खड़ा होना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको इन सारे मूवमेंट में से बहुत सारा पैसा मिला, बहुत सारा रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले, पर उन्होंने इस सब की चिंता नहीं किया। कभी नेतागिरी का, कभी पॉलिटिक्स का, इलेक्शन लड़ना है जीतना है, कभी इन सब चीजों के कभी केयर नहीं किया। पर जिनको इलेक्शन लड़ना था, जिनको पार्टीबाजी करना था, बहुत सारे लोगों ने किया इसमें से। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर विचारों को समझना और सही विचारों को बोलना, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मार्क्सवादी ना बने। मार्क्सवादी जो है वो अच्छी बात है, आप मार्क्सवादी बनिए। कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे विचारवंत थे, अन्याय के विरुद्ध लड़े। आप यानी करिए, आप मार्क्सवादी विचारधारा से लड़ाई लड़िए, अगर हम मार्क्सिस्ट रहेंगे हम मार्क्स के गाने गाएंगे। पर मार्क्सिस्ट लोग क्या करते हैं कि मार्क्स के गाने नहीं गाते। मुश्किल से आप देखिएगा कितने मार्क्स के गाने होंगे और मार्क्सिस्ट लोग बाबा साहेब के गाने क्यों चलाते हैं, क्यों? मतलब लोगों में पूरा लाल लाल रहेगा लेकिन गाएंगे जो है वो अंबेडकर ही गाने गाएंगे। तो ऐसा है, लीडर ढाले बोले हैं कि दलित मेरी पहचान नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूँ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो ही अगर गुलामी की है तो आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे, आप कभी इमैंसिपेट नहीं हो पाओगे। आपको कभी एक गाना उसके लिए शुरू करते हैं हम लोग,
तो गाना गाएंगे और गाने के साथ में लाएंगे, और ये दलितिज्म का क्रिटिक है इस गाने में, दलितिज्म का विरोध है इस गाने में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गाना तो क्रांति कर देगा, कर ही रहा है, जहां पर विचार बदलता है वहां क्रांति हो जाती है। तो ये गाना हम लोग लाते हैं, ये गाना मैंने ही लिखा है, इसको हमने नाम दिया है सम्मान गीत, और ये पौधकारों का अपना कंपोजिशन है। आप लोग सम्मान गीत को सुनिए, और जो सम्मान के लिए हम लोग लड़ते आए हैं और सम्मान के लिए हम लोग जीते हैं, उसका एक असर लाने का कोशिश किया है हमने इस गाने में। तो आप सुनिएगा कि एक जो इंसान जो खुद को दलित बोलता है वो खुद का अपमान करता है, हम ये बोलते हैं, और अगर हम किसी और को भी दलित बोल रहे हैं तो उसका भी हम अपमान कर रहे हैं, कैसे हम लोग देखेंगे इस गाने में। और ढाले सर ने ये खुद कहा है कि जो मानसिक गुलाम है वो कभी फ्री नहीं हो सकता है। अगर तुमको आजादी चाहिए, अगर तुमको प्रोग्रेस चाहिए, अगर तुमको अच्छा करना है लाइफ में, तो अपना मन जो है उसको चेंज करना होगा। और इसके लिए हम ये गाना जब शुरू करते हैं तो कबीर के कुछ लाइन से शुरू करते हैं। बिल्कुल, आपको आवाज आ रहा है क्या एक बार देखिए, क्योंकि माइक नहीं लगाया है हमने अभी। अच्छा हाँ। तो आपको आवाज आ रहा है क्या, एक बार थोड़ा फीडबैक दीजिए, आवाज ठीक होगा तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिए। वैसे बहुत सारे हार्ट तो मिल ही रहे, थैंक यू सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को जो लोग हैं, हमारी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारी कोशिश इतनी ही रहती है कि हम लोग जो मिथ्या दृष्टि है, जो रॉन्ग कॉन्शियसनेस है, जो विचारों में फर्क नहीं दिखता, उसको हम लोग कंफ्यूजन को दूर करें। तो हमारी कोशिश रहती है अलग अलग हमारे गानों में से। आवाज ठीक है कि नहीं प्लीज बताइए, इंस्टा पे तो हम लोग को कोई फीडबैक नहीं मिला। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए जरा, और भी लोगों को जुड़ने दीजिए हमारे साथ में। बहुजन प्यारे, हाँ बिल्कुल बहुजन प्यारे, सही गेस किया। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। लो वॉल्यूम है, ओके सॉरी, क्योंकि हम लोग दो प्लेटफॉर्म पे है तो माइक नहीं लगा पाए, बट कोई बात नहीं, लगा दूं क्या? नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ आवाज ठीक है बोल रहे, ठीक है, आप ईयरफोन्स लगा के सुनिए, आई थिंक इट विल बी बेटर, है ना? ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कबीर के दोहे से। कबीर क्या कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, कम है बोल रहे हैं बहुत लोग, लगा ही लेते हैं। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार, इसका मीनिंग बता दो तब तक। तो इसका मतलब है कि हम लोग सब अलग अलग शब्द यूज करते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं बोलने के लिए, और कुछ शब्द होते हैं जो हमको ठंडक देती है, कुछ शब्द होते हैं जो शीतल करती है, और लेकिन कुछ शब्द होती है जो जला देती है। और जला कैसे देती है, हम लोग, बुद्ध ने भी ये कहा है उनके बोलने से, और उनके जो भी आपके लेक्चर्स है, सर्मन्स है, उसमें वो साइकोलॉजी का बहुत उल्लेख करते हैं, और उसमें ये भी है कि हाउ यू स्पीक इट मेक्स अ डिफरेंस टू हाउ यू थिंक। और लीडर ढाले भी यही कह रहे हैं कि अगर आप मानसिक गुलाम हो, अगर आप अपने आप को दलित कहते रहोगे, वो बोलते हैं दलित मेरी पहचान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूँ। हाँ, तो गुलामी उसका रिलेशनशिप है ना, मैं दलित मेरी पहचान नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ इसलिए मैं दलित नहीं हूँ, मैं दलित नहीं हूँ इसलिए मैं गुलाम नहीं हूँ। बिल्कुल, सही बात है ना, कनेक्शन। इनफैक्ट स्वप्निल वांखड़े कह रहे हैं ग्रेट टू सी दी अननोन डीड्स। अरे अननोन डीड्स हम और बोलेंगे, आप सुनिए, आप जुड़े रहिए, आप सुनिए, हम बताएंगे आपको। ऐसे लीडर को याद करना बहुत जरूरी है, जमाना जो है पूरा सिस्टम ऐसे लीडर को पीछे धकेलने में लग जाता है, क्योंकि ऐसे लीडर सच बात बोलते हैं, बहुत कम जिक्र होता है। अभी भी देखो बाकी सारे लीडर दलित एंकर के एज कंपेयर्ड अगर करें हम लोग, तो उनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, लीडर ढाले का नाम कम लिया जाएगा। और ऐसे ही सच्ची बात करने वाले, दलितता को नकारने वाले जो भी लीडर्स होंगे,
उनका मीडिया में कम आएंगे वो लोग, उनका जिक्र कम होगा, उनको कम बुलाया जाएगा भाषण देने के लिए, क्यों? क्योंकि सच बात बोलते हैं, उनका अवार्ड तो कभी दिया या नहीं तो, जाएगा। या तो उनको याद किया जाएगा तो उनको दलितता की वजह से याद किया जाएगा। हाँ, जबरदस्ती लेबल जबरदस्ती ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग कुछ दिन पहले वामन दादा का भी प्रोग्राम किए थे, उन्होंने मतलब कितनी बार कहा है कि नहीं हम, मैं दलित नहीं हूँ, फिर भी लोग उनको दलित पोएट, दलित सिंगर। हाँ, बहुत गलत बात, इसको खत्म करना है, यही गुलामी तोड़नी है दोस्तों। तो ये कैसे करना है, कैसे? हाँ, है कौन सी गुलामी देखते हैं। हाँ, बहुजन प्यारे बहुजन प्यारे लिटरेचर मैगजीन वो चलाते थे मराठी में, विद्रोह उसका नाम था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि नाम में भी कैसा बदलाव होता है। विद्रोह होता है, विद्रोह सच में होता है, एक बुद्धिस्ट इंसान भी विद्रोह करता है, बाबा साहेब बुद्धिस्ट थे, उन्होंने विद्रोह किया, पर विद्रोह कैसा? क्या वो गुस्से से आएगा, जला के मारपीट के काट के हथियारों से ऐसा आएगा? नहीं, गलत चीज है। विद्रोह कैसा होगा तो उनके अगले जो राइटिंग्स थे, अगले जो उनके मैगजीन्स थे, उनके नाम देखे कैसे बदलते और कैसे बराबर बाबा साहेब के विचारधारा में वो ढलते हैं। बाबा साहेब की विचारधारा समतावादी धम्म की, तो अत्ता तपसी विद्रोह ये पहले के थे, ये रू एक था ऐसे, और उसके बाद में
क्या क्या है उनके नाम, जातक, समदृष्टि, चक्रवर्ती, धम्मलिपि और धम्मचक्र। देखिए आप नाम का डिफरेंस देखिए, पहले कैसे नाम होते थे और राजा ढाले ने बाद में जब क्लियर हुआ कि क्या मार्क्सवादी विचारधारा है और क्या अंबेडकरवादी विचारधारा और क्यों जरूरी है उनमें एक डिफरेंस क्लियर कट डिफरेंस देने की। बिल्कुल, बाबा साहेब ने कभी भी मार्क्सवादी विचारधारा को कभी अपना विचारधारा, अपना मेथड, अपना कार्य प्रणाली नहीं बनाया। बुद्ध के विचारधारा पे चलते रहे और उन्होंने बुद्ध का विचारधारा हमको दिया। क्यों दिया ये बात है, ये अंबेडकरवादी विचार है। तो बाबा साहेब ने बुद्ध की विचारधारा हमको क्यों दी, क्यों दी बजाओ बताती हूँ। सब
कह रहे हैं उन सब लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो समतावादी हो। हाँ, लीडर ढाले भी एक समतावादी राइटर थे, एक समतावादी थिंकर थे, एक समतावादी एक्टिविस्ट थे, एक समतावादी अंबेडकर राइट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हमारी हिस्ट्री जो है वो उन्होंने ट्राई की हमको फिर से देने की। ये बहुत ही दुखद है कि उनको उस हिस्ट्री से जाना नहीं जाता है, पर जरूरी है कि हम उनको उस हिस्ट्री से जाने जो उन्होंने अपने लाइफ के एंड की तरफ हमको दिया, ना कि समता ईमान इस चीज का नाम है राजा डाले। कबीरा फूले भीमराव की सुनना सदा, स्व सम्मान से रहना, मान श्री राम भी कहते खुद को बहुजन बौद्ध ही कहना। ये सब लोग जो है ये बुद्ध को मानते थे, धम्म को मानते थे, और उनके राइटिंग्स में, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में ये दिखता था कि वो धम्म को कितना मानते थे। और अगर आप धम्म को मानते हो, अगर आप अपने आप को इमैन्सिपेट कर रहे हो, उससे ज्यादा स्वसम्मान की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं दलित मेरी पहचान नहीं है और मैं गुलाम नहीं हूँ। क्या बात है राजा डाले। छोड़नी है, जो हम चाहते हैं कि सब ये नादानी छोड़ दें, ये क्या है? ये नादानी है अपने आप को किसी और के दी हुई आइडेंटिटी से जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको, जिन्होंने इनफैक्ट ये आइडेंटिटी खुद छोड़ी है, हम क्यों उनको उस आइडेंटिटी से इंसल्ट करें? बिल्कुल, ये अपमान उन्होंने है। किसी को दलित बोलना और खुद दलित बुलवा के लेना, अपना नाम रखना, ये दलित का मतलब कमजोर होता है। क्या इंसान सच में कमजोर होता है क्या? अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अमेरिका में जैसे ब्लैक मूवमेंट है, वहाँ के लोग ब्लैक है, उनका कलर ब्लैक होता है, दिखता है, वो सच में ब्लैक है, उनको ब्लैक बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर अगर कोई एससी आदमी को अगर दलित ही बोल रहा, दलित का मतलब परमानेंट वीक, परमानेंट वीक नहीं है, वो पावरफुल हो सकता है। बाबा साहब को कोई देख के बोलेगा दलित है करके, वीक है वो? अरे उनसे जैसा पावरफुल आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल, ये पावर का बात है। कभी ये चिपका हुआ आइडेंटिटी पहचान जो है वो दलित नहीं हो सकता, इसीलिए बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया है और एक साइंटिफिक, एक पावरफुल आइडेंटिटी दिया। और उन्होंने बोला, बार बार बोला कि ऐसे गंदी नाम वाले जो आइडेंटिटी है, पहचान है, ये हमारी कभी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब खत्म करना, इसको खत्म करना, ऐसे गंदे नाम वाले, ऐसे कमजोर नाम वाले जो पहचान है अपने नाम के साथ में नहीं रखना। राजा ढाले ने इस चीज को पहचाना। राजा ढाले बाबा साहेब को हर टाइम पढ़ते रहे, हृदयों में हर टाइम पढ़ते रहे, इसीलिए बोले दलित पैंथर बनाना खुद, यानी खुद बनाया उन्होंने, फिर खुद बना के उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये सही नहीं है,
खुद ही के क्रिएशन को रिजेक्ट करना बहुत पावर चाहिए होता है, बहुत कन्विक्शन चाहिए होता है जस्टिस के लिए। जो पावर, जो कन्विक्शन राजा डाले सर में था, खुद ही बनाया, खुद ही नकार दिया, नहीं सही नहीं है, नहीं है जाओ। तो देखा उन्होंने प्रॉब्लम था, विचार में प्रॉब्लम था, और वहां से फिर देखते हैं हम लोग कैसे फिर समदृष्टि, जैसे हम अभी बोल रहे थे समदृष्टि, धम्म लिपि, धम्म चक्र, चक्रवर्ती, ऐसे नाम रखते हुए बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाया, और धम्म दीक्षा के भी बहुत काम किए राजा डाले। बिल्कुल, बहुत, बहुत नया मूवमेंट चलाया, बुद्ध के ऊपर बहुत सारे व्याख्यान दिए, बहुत बातें करते रहे, कविताएं लिखे, लेख लिखे। ये मूवमेंट था बाबा साहेब का, हमको ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना है दोस्तों, ये बाबा साहेब का मूवमेंट है, तभी हम ये गुलामी से आजाद हो सकते हैं। सही बात होगा, अच्छा लगा होगा तो बताइएगा आपको। मैं एक चीज ये बोलना चाहती थी कि जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट जो अमेरिका में हुआ, नो डाउट वो बहुत पावरफुल मूवमेंट था, नो डाउट कि उसमें बहुत सारे लोगों को सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स जो थे वो मिले थे, बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। और जब हमारे लोगों ने यहाँ पे जो बाबा साहेब के फॉलोअर्स थे, इंडियंस जो थे, उन्होंने उसको देख के, उससे इंस्पिरेशन लेके एक मूवमेंट करना चाहा, वो उसका जो एम्बिशन था, उसका जो एक विल था टू डू समथिंग लाइक दैट, दैट वाज ग्रेट, इट वाज सच एन इंस्पायरिंग एम्बिशन। तोड़ना है, परिवर्तन करना है, इसीलिए दलित पैंथर बना रहे, उन सबको सलाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने इतना कुछ किया, बहुत ही पावरफुल एक मूवमेंट क्रिएट किया, लोग डर गए थे, इतना पावरफुल था कि अरे ये लोग इतने पावरफुल हो गए। पर प्रॉब्लम कहाँ आई, जहां पे ये मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होने लगी, जहां पे इस मूवमेंट को एक ही नजरिए से दिखाया गया और एक ही नजरिए से आइडेंटिफाई किया गया। इसीलिए जो दलित पैंथर के फाउंडर्स थे, तीन मेन फाउंडर्स जो थे, उनमें से सिर्फ एक ही बचा था जो दलित पैंथर के साथ में एंड तक रहा, और वो भी कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। जो दूसरे लीडर, जैसे लीडर ढाले रहे या तो जेवी पवार सर भी रहे, उन्होंने भी अंत में आते आते उन्होंने नकारा उसको, बोला कि नहीं, दिस मूवमेंट हैज इज नॉट व्हाट वी वांटेड इट टू बी, हमने जिस लिए ये मूवमेंट शुरू किया था ये तो वो रहा ही नहीं, और दलितता से कुछ नहीं हो सकता। जो खुद इतने सालों पहले जब उन्होंने खुद एक मूवमेंट से एक्सपेरिमेंट किया और उनको समझ में आया कि नहीं दलितता नहीं चलेगी, तो हम आज क्यों इतने सालों बाद दूसरे की इन्फ्लुएंस से, हम क्यों आज भी अपने आप को उससे जोड़े रखना चाहते हैं। बहुत से, क्या बात कही, जो आइडेंटिटी हमको नहीं एमेंसिपेट कर पा रही है, जो हमारे लीडर्स आके गए हैं जिन्होंने हमको बताया कि वो समतावादी रास्ता नहीं है, वो समता का पथ नहीं है, हमारा समता का पथ कुछ और है, हमको धम्म को फॉलो करना है, जो वो खुद बोल रहे हैं तो हमको वही समझना चाहिए। और ये सबसे बड़े एग्जाम्पल इसके बाबा साहेब ही हैं। बिल्कुल, बाबा साहेब ने वो क्रांति कर दिखाया, बाबा साहेब ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया है, और उसी चीज को आगे बढ़ाना। अगर बाबा साहेब चाहते तो बाबा साहेब मार्क्सिस्ट क्रांति का बात ऐसे ही कर लेते, लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देते, गुस्सा दिलाते और सबको बोलते इकट्ठा आ जाओ, ये क्रांति कर देने, वायलेंस करना, ये सब बाबा साहेब का मार्ग नहीं रहा है कभी। आप देखिए, पढ़ाई कीजिए और आप जानेंगे, हम भी जानेंगे, सब जानेंगे कि बाबा साहेब का मूवमेंट बहुत ही एक बुद्धिवादी और बहुत ही बुद्धवादी मूवमेंट है, बुद्धिस्ट मूवमेंट रहा है। हमको बाबा साहेब की लीगेसी को आगे बढ़ाना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये दलितता, ये सब जो है, ये सब जो मार्क्सवाद है, हमको इसके साथ में एंगेज नहीं करना है। जिनको करना है करे, हम आपके स्पिरिट्स का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन ईमानदारी से करे प्लीज। हाँ हाँ, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, आपका रास्ता है मार्क्सवादियों का, आप अपने रास्ते पर चलिए, पर आप प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, हमारे मार्क्सवादी दोस्तों को बोलेंगे कि आप मार्क्स के गाने कम गाते हैं, आप मार्क्स के बारे में कम बोलते हैं भाषणों में, आप बाबा साहेब के बारे में ज्यादा बोलते हैं। आप सच में मार्क्सवादी, आप मार्क्स को लेके आइए ना, बताइए लोगों को, जरूरत है मार्क्स का यहाँ पर ना, बताइए। और मिक्स मत कीजिए जबरदस्ती, बाबा साहेब का नाम लेके बाबा साहेब के लोगों को यानी कंफ्यूज करने का कोशिश मत कीजिए। और हमारे लोगों से भी हम बोलेंगे कि हमको कंफ्यूजन हटाना है, ये जो मार्ग है जो बाबा राजा ढाले सर ने दिया है, इसको हमको पहचानना है और हमको सही दिशा में आगे जाना है। और हम इसको रैप अप करते हैं हमारे ट्रिब्यूट को, और इस बात से मैं रैप अप करना चाहूंगी कि ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मार्क्सिस्ट और बुद्धिस्ट वे में क्या फर्क है। बिल्कुल, मार्क्सिज्म में ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत अच्छी थियोरी है, बहुत अच्छा एक
क्या कह सकते सोसाइटी का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है उसमें दिखता है, लेकिन इट इज ओनली द डिसकंटेंट पार्ट ऑफ इट. अन्याय को ढूंढा है, अन्याय को ढूंढा है और कुछ हद तक बताया है कि अन्याय शायद इस चीज से खत्म हो सकती है. लेकिन बाबा साहेब ने भी ये कहा है कि मार्क्सिज्म लिमिटेड है. बुद्ध और कार्ल मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें बाबा साहेब क्लियरली बताते हैं कि बुद्ध ने कैसे दुख निवारण का जब मार्ग दिया तो ही एक्चुअली गेव अ वे टू सेल्फ इमेंसिपेट, और ये लैकिंग है. और हमें आज सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो इतना कास्ट रिडन है, इतना क्लास रिडन है, इतना प्रॉब्लम रिडन है, हर टाइप के प्रॉब्लम्स है, हम क्या प्रॉब्लम नहीं है, हर टाइप की इनइक्वालिटी है, ऐसे सोसाइटी में जरूरी है कि हम स्व सम्मान से जिए और स्व सम्मान के साथ साथ सबके साथ मैत्री से रहे. तो दोस्तों, जिस दिन हम खुद को सम्मान देंगे, हम खुद का सम्मान समझेंगे, उसी दिन क्रांति हमारे अंदर ही हो जाएगी, हमारे मन में क्रांति हो जाएगी. और यही मन की क्रांति अभी हम चाहते हैं. हम मन की गुलामी को खत्म करके मन की क्रांति चाहते हैं, मन की आज़ादी चाहते हैं. यही बाबा साहेब ने हमको बताया, यही रास्ता राजा ढाले ने हमको दिखाया, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते पर आगे चले और सारे कन्फ्यूजन्स को तोड़ के हम लोग बाबा साहेब का जो सपनों का जो भारत है, जो संकल्प का भारत है, प्रबुद्ध भारत जिसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग प्रस्थापित करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे. आप सभी दोस्त हमारा इसमें सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप हमसे बात कर सकते हैं. आप अगर हमसे विरोध भी करते हैं तो हमसे बात कीजिए, हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, यही हमारा मार्ग है, यही हमें जो मार्ग बाबा साहेब ने दिया मैत्री का मार्ग, हम यही करते हैं. तो बातचीत करते हैं और साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो अभी खत्म ही कर रहे हैं क्योंकि लीडर ढाले के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, और अभी भी लोग इतने सालों बाद जब उनका ये जो उनका जो डिसकंटेंट था दलित पैंथर मूवमेंट से, जब उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी उनको लोग दलित लीडर या तो पैंथर ढाले इतना कहते हैं, तो हमको लगा कि ये जरूरी है ये क्लियर करना कि डिफरेंस कहाँ है और क्यों है, और राजा ढाले ने सच में एक्चुअली क्या किया, कौन सी रेवोल्यूशन वो लाए, है ना. और उन्होंने अल्टीमेटली वही कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और मेत्ता भाव जो वो सबके लिए लाए थे, क्योंकि उन्होंने धम्म अपने तक के नहीं रखा, उन्होंने धम्म और भी लोगों को दिया, अपने राइटिंग्स के थ्रू दिया, धम्म दीक्षा के समारोह से दिया. तो ये जो मेत्ता भाव है दूसरों को धम्म देने का, ये हम उनसे सीखना चाहते हैं, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं. मेत्ता भाव पे आने के पहले थोड़ा सा एक चीज बोलता हूं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चीज ऐसे है दोस्तों कि हम लोग ये चीज बहुत बहुत बोलना जरूरी है, क्योंकि राजा ढाले को जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, जो एक ऊंचाई मिलनी चाहिए थी, वो दी नहीं गई, क्योंकि वो सच बात बोलते थे. अभी से लेके आगे हम लोग, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो सच बात बोलते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, उनको कभी वो स्टेज, वो ऊंचाई, वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन नहीं दिया जाता है जो उनको मिलना चाहिए. मिलता किसको है? जो मार्क्सवादी बातें करता है, क्योंकि मार्क्सवादी बहुत सारे लोग जो पहले से बहुत हजारों सालों से पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, आज भी पढ़े लिखते हैं, उनको बाबा साहेब अच्छा नहीं लगता, आज भी नहीं लगता है, इसलिए बाबा साहेब के विचारों को मानते नहीं. फिर कौन है? मार्क्स का विचार सही है, क्योंकि वो उधर है, बाहर देश का, विदेश का है, तो इसीलिए वो सही है. और उसी चीज़ को, और उनकी सत्ता बहुत रही है यहाँ पर, तो अपनी सत्ता को चला के उन लोगों को बहुत पैसा देते हैं जो मार्क्स का बात करते हैं, जो दलित का बात करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत पॉपुलर करते हैं. तो देखते हैं, ये सब चमक धमक है दोस्तों, बात बोलने की है, चमक धमक में मत फंसिएगा प्लीज. अगर सही सच्चे लोगों को, अगर राजा डाले सर को चमक धमक और शोहरत और इज्जत और पैसा ये सब कमाना होता, मार्क्सिस्ट बन जाते, सब उनके कदमों में आके गिरता, इतना पावरफुल थे राजा डाले सर. पर उन्होंने इन सब चीजों की चिंता नहीं की, वो विचार शील प्रिंसिपल्स में उनका बिलीफ था, ईमान था राजा ढाले सर का. तो इसीलिए बौद्धकारों उनको बहुत एक सम्मान का जयभीम देता है, और उनका जो बताया हुआ मार्ग है मेत्ता का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे इस गाने में भी, और हम फिर से बात करेंगे. मैं अब बताना चाहती हूँ, लोग लेट हमें ज्वाइन किए, कि वृतांत ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था लास्ट ईयर, उनके डेथ के ओकेजन पे उन्होंने लिखा था. आज हम इसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे उनको. लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे ओकेजन में
लोगों के बारे में बात की जाए, उनके काम के बारे में बात की जाए, उनको याद किया जाए। तो अगर हो सके तो प्लीज वो आर्टिकल पढ़िएगा, राउंड टेबल पे है। और अगर आपको पसंद आया हो, हमने आज जो भी बताया, शायद आपको पता थी ये बातें, शायद नहीं पता थी, शायद बहुत सारी चीजें हमको भी ना पता हो, तो प्लीज बताइए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि ये बात नहीं बताई जाती है। ये बात बातचीत में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल। और एक दोस्तों, एक आर्टिकल और हम दोनों ने मिलके एक ऐसे लिखा है, वो द वायर पे पब्लिश हुआ है, टू बी और नॉट टू बी अ दलित। अगर आपको दलित होने में, नहीं होने में कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आप ये जो आर्टिकल है द वायर पे देखिएगा, टू बी और नॉट टू बी दलित, वो हमारे पेज पे भी हम लोग शेयर कर देंगे, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं और भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग, हमारा जो आखिरी है, हमारी धम्म की जो हम बात करते हैं, जो बाबा साहेब ने की, जो राजा डाले सर ने की, उसी धम्म की बात को हम इस एक गाने में पिरो दिए, छोटा सा कंडेंस कर दिए। ये मैत्री गीत, हाँ, गाना नहीं है ये, बुद्ध मैत्री गीत, हाँ, बुद्ध ने लोगों को दिया और फिर हम बुद्ध को फॉलो करते हुए सबको देते हैं। नेहा फुलझले बोल रहे हैं कि पढ़ लिया है वो आर्टिकल, कैसा लगा प्लीज बताइए। आप लोग प्लीज इस वाले परफॉर्मेंस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन, मिच्छा दिट्टि जो है वो खत्म होनी चाहिए, और भी हमारे आर्टिकल्स भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज जुड़े रहिए और चलिए हम साथ मिलके चलते हैं आगे। पाली में है, मैं थोड़ा और डिटेल में कहती हूँ, क्योंकि आज के टॉक के साथ थोड़ा सा वो रिलेटेड था। तो इसमें कहते हैं कि सब सुखी हो, हाँ, सब बे सत्ता सब, और मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, और सब जो है वो इनसिक्योर ना रहे, वो सिक्योर हो, और ये बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हो। अगर जब हम स्वसम्मान की बात करें, तो स्वसम्मान क्या है? अपने आप की आइडेंटिटी, अपने आप का जो फेथ है, अपने आप का जो अपना जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ मॉरली डील करना, उसको मॉरली या प्राउडली उसको बताना, ये सिक्योरिटी होती है। बुद्ध बोलते हैं एक बार, हाँ, कि व्हाटएवर यू थिंक यू बी, आप जो सोचते हैं आप वो बनते हैं। अगर हम खुद को सोचेंगे हम दलित हैं, हम दलित ही बनेंगे, हम दलित ही रहेंगे, बिल्कुल। ये जो चेन है ये कभी टूटने वाला नहीं है, तो हमको वो जो बाबा साहेब ने चेन को तोड़ा है, दलितता को खत्म किया है, और हमको नया पहचान, नया नाम दिया है, वो नया नाम नया पहचान का जरूरत है। और हमको सोचना है कि हम जो है साइंटिफिक है, बिल्कुल, हम वीक नहीं है, हम दलित नहीं, हम पावरफुल है, हम पावरफुल अगर... क्या बोलते हैं, शक्तिशाली, शक्तिवान। यस, और हम अगर बाबा साहेब को फॉलो करते हुए सही मार्ग पे चलेंगे, तो देयर इज नो स्टॉपिंग अस, बिल्कुल, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसी के साथ, इनी वर्ड्स के साथ, और हाँ, सब भद्रानी पचन, तो मतलब सबको सफलता मिले, सब
सब अपने लाइफ में अच्छा करें और किसी को भी सबका परसेप्शन जो है पश्चंतु जो है वो सब जो सही मार्ग है वो देखे, बिल्कुल वो देख के समझे कि हाँ ये सही मार्ग है, ये सम्यक मार्ग है। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा जो मार्ग है वो त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, दस पारमिता और प्रतीत समुत्पाद इसका बना हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है। इधर उधर सब बाबा साहब ने जो है बताया बहुत अच्छे से उन्होंने, ये किताब बताया एक बार आप लोग जरूर पढ़िए, सब कंफ्यूजन क्लियर होंगे, बाबा साहब का मार्ग क्लियर होगा। और एक बार मैं जैसे बोल रहा था, एक बार अगर मार्ग क्लियर हो गया, रास्ता साफ हो गया, कचरा हट गया, कांटे हट गए, तो आसान हो जाता है चलना, और चलेंगे तो पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है वहाँ, बिल्कुल। और लास्ट में कहते हैं कि माँ कंची दुख मागमा, किसी को दुख ना हो, सब लोग जो है खुश हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब लोग खुश हो। इसी के साथ जय भीम सभी को, थैंक यू वेरी मच। शैलेश दादा है, शैलेश दादा जय भीम ज्वाइन किए हैं, किशोर चक्र नारायण थैंक यू, जय भीम, रूमी जीन अजयन दादा थैंक यू, जय भीम आपको, टू गुड, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप इट अप, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज। अविराज भास्कर, जय भीम, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी कीप ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। और आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए हमारे मैसेज को, अगर आप चाहते हैं कि और लोग समझे इस चीज को तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू एंगेज इन डायलॉग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कोई मिथ्या दृष्टि में है, कोई रॉन्ग परसेप्शन देख रहा है, और उसको चाहिए थोड़ा सा कि और भी दूसरा एंगल वो समझे, तो उनको प्लीज, और जो लोग राजा ढाले सर को जो लोग पैंथर कह रहे हैं ना आज, उनके वॉल पे तो जाके आप थोप दीजिए, ये शेयर कीजिए, ये ले, ठीक है, उन्होंने नकार दिया है, बिल्कुल पैंथर के बारे में उन्होंने बोला है। एक बार बता दूं, राजा ढाले सर की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, पर समय कम है, फिर भी बताऊंगा कि वो बोलते थे कि वी आर नॉट पैंथर्स और एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कोई पैंथर या जानवर नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स है, हम इंसान है। कितनी बड़ी बात कहें हम, मैं दलित नहीं हूँ, मेरी पहचान दलित नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, ये बात बोला, फिर भी हम उनको दलित और बाबा साहब ने जब हमको, बाबा साहब ने जब हमको समता सैनिक बनाया तो हमको कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं। सही बात है। तो इसी मैसेज के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, जय भीम जय भीम, बातें करते रहेंगे अगले, बिल्कुल चर्चा होगी अगले पूर्णिमा को, आप वेट कीजिएगा, बिल्कुल अगली पूर्णिमा को 3 तारीख को है, हम नए पूर्णिमा के साथ में आ रहे हैं, नई धम्म चर्चा, नई चीजें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। और इसी के साथ राजा ढाले सर को बहुत बहुत सम्मान का जय भी, सम्मान का जय, और आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमको बहुत सारा ज्ञान मिला, हमको नया रास्ता जो है वो क्लैरिटी मिली है राजा ढाले सर की वजह से, उनको सच में सम्मान का जय भी। हाँ प्लीज बोलो, नहीं नहीं बस वही बोल रही थी मैं। और आप सभी को जय भी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट लाइव सेशन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, जय भी, हाँ मैं बंद कर, जय भीम।